हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनील क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे कक्षा नवी का बहुपद। बहुपद का चैप्टर अध्याय नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रश्नावली 2.1 से लेकर 2.4 तक के सभी सवाल हल कर दिए हैं और 2.5 के हमने सवाल कर दिए थे 1 से 5। आज इस वीडियो में आप देखेंगे सवाल नंबर 6 और 7 का सोल्यूशन। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी पढ़ाई आसानी से हो सके। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि फुल मार्क्स की गारंटी है, यानी कि 12 में से 12 नंबर इस चैप्टर से आपको आने वाले हैं। तो वो तभी आएंगे जब मेरे द्वारा कराए गए सवाल को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में दोबारा अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और आप ना पढ़ें तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वीडियो देखना है और फिर सवालों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 6। छठा सवाल है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो आप देखेंगे छठे में आपके कुल 4 सवाल दे रखे हैं। यहाँ हम करेंगे 2 सवालों को, उसके बाद हम 2 सवाल और करेंगे। तो पहला सवाल है 2x + 1 का होल क्यूब। देखिए घात तीन को ही हम घन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वसमिका लग रही है a + b की घात 3 = a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab × a + b। देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणा है। फिर से देखिएगा सर्वसमिका यहाँ घन की लग रही है a + b की घात 3, यानी आपको 2x + 1 की घात 3 की तुलना करनी है a + b की घात 3 से। तो हम लिखेंगे इस सर्वसमिका के अनुसार, इसके अनुसार क्या हो जाएगा। अब देखिए a बराबर क्या है 2x और b बराबर क्या है 1, इसको आपको ध्यान रखना है। a + b प्लस लग रहा है इसलिए प्लस वाली लगाइए, या माइनस है तो हम माइनस की लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हो जाएगा 2x + 1 की घात 3, तो ये होगा 2x की घात 3 + 1 की घात 3। a की घात a क्या है 2x, b है 1, प्लस 3 × a × b और फिर गुणा a + b यानी 2x + 1। इसको सॉल्व करना है सिर्फ आपको, 2 की घात 3 और x की घात 3 है 2 की घात 3, 2 × 4 = 8, तो ये होगा 8x की घात 3 + 1 + 3 × 2x × 1, 3 × 1 = 3 और 2x का गुणक 3 × 6, ये हो जाएगा 6x। अब 6x का गुणा करना है 2x + 1 में। अब आगे कीजिए 8x की घात 3 + 1 + 6x × 2x, तो 6 × 12 x × x x² + 6x × 1 = 6x। अब घातों को घटते क्रम में लिखना है हमने, तो यहाँ पर 8x की घात 3, फिर हो जाएगा 12x² + 6x + 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ ये सर्वसमिका हमें यहाँ पर लगानी है, यानी a की जगह पर 2x, b की जगह पर 1। दूसरी देखिए 2a - 3b की घात 3, सर्वसमिका लगेगी यहाँ पर a - b की घात 3। आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको सर्वसमिका अगर याद है तो आप ये सवाल आराम से कर सकेंगे। तो a - b की घात 3 a की घात 3 - b की घात 3 - 3ab × a - b, तो इसको आप इसकी तुलना इससे करेंगे तो इस सर्वसमिका के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर a लिखना है 2a और b लिखना है 3b, a लिखना है 2a और b लिखना है 3b, तो ये हो जाएगा देखिए 2a - 3b की घात 3, a = 2a और b = 3b, तो a की घात 3, तो किसकी घात 3 करेंगे 2a की घात 3 - 3b की घात 3 - 3ab 3 × 2a × 3b और फिर गुणा होगा 2a - 3b, सिर्फ इसको लगाना है आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 2 की घात 3, फिर से 2 की घात 3 यहाँ पर भी किया था, 2 × 4 = 8, 8a की घात 3 - 3 × 9 = 27, 27b की घात 3 - 3 × 9 = 18, a × b 18ab और फिर गुणा है 2a - 3b से। अब देखिए 8a की घात 3 - 27b की घात 3, अब 18ab माइनस है, इसका गुणा 2a में करेंगे तो 18 × 36 a² b, फिर माइनस माइनस प्लस
और 18 दूनी 36, 18 × 3 करना है यानी 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 18 + 54, तो 54 या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी 2 है तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आपके ये दो सवाल हल हो गए हैं। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 3 और 4, तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 3 और 4 यहाँ पर दे रखा है। तो तीसरा सवाल है 3/2x + 1³, तो यहाँ पर सर्वसमिका वही लगेगी, प्लस है a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab गुणा a प्लस b के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 3/2x और b बराबर हो जाएगा 1, तो इसको आपको लिखना है a बराबर 3/2x, b बराबर 1, तो ये हो जाएगा 3/2x + 1³ = a³। तो a क्या है 3/2x³ प्लस b है 1³ प्लस 3 × ab, तो 3/2x और 1 और गुणा है 3/2x + 1। इसको आपको सिर्फ हल करना है। 3³ कितना होता, 3 × 9 = 27 2, 2³ कितना होता है, 2³ होता है 8, तो हमें लिखना है 8 और x³ होता है x³, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए 1³ होता है 1 प्लस लगाइए 3 × 3, 3³ × 9/2x गुणा 1, तो 1 ही रहेगा, फिर कोष्ठक में वापस कर दीजिए 3/2x + 1। अब देखिए 27/8x³ प्लस 1 प्लस अब 9/2x का गुणा करना है 3/2x में, तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा हम कर सकते हैं, 9³ हमारा हो जाएगा, 9³ = 27 और 2² हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 27/4 एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये वापस हो जाएगा 9/2x। अब इसको घातों को घटते क्रम में लिख दीजिए, 27/8x³ प्लस 27/4x² 2 प्लस 9/2x + 1, ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही आसान है, एक दो बार आप इसको कॉपी में करेंगे तो आपको आ जाएगा, करना कुछ नहीं था, एक सर्वसमिका याद करनी है छोटी सी और हमें a और b के मान इसमें रखने हैं और गुणा तो आपको करने आता ही है, सिर्फ गुणा ही करना है और जोड़ तो करनी ही नहीं है, सिर्फ चिन्ह देने हैं अपने को, ठीक है। चौथा देखिए x − 2/3y³। अब सर्वसमिका यहाँ माइनस की लग रही है, यहाँ पर भी देखिए a बराबर x b बराबर 2/3y, तो यहाँ पर क्या होगा x − 2/3y³ बराबर 1³, तो x³ b³ 2/3y³ माइनस 3 × x गुणा 2/3y और गुणा x − 2/3y, सिर्फ मान रखा है और कुछ नहीं किया है, x³ को x³ माइनस 2³, 2² = 4, 2² = 8, 3³, 3³ × 9 = 27, y³ माइनस 3 × x, 3x, 3x² 2 में करेंगे 3² = 6x, ठीक है 6x, तो यहाँ हो जाएगा 3² = 6, 3³ = 9, x² = y, तो xy, तो यहाँ पर 6/9 आपको लिखना है x और y। अब इसका गुणा करेंगे x − 2/3y से, ठीक है, फिर आपको लिख देना है यहाँ पर देखिए 3ab था तो 3 × a × b किया हमने, तो यहाँ पर अब इसको हल करना है, तो 6/9 को आप हल कर सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊं, 3 से 3 यहाँ पर आप काट दीजिए, तो यहाँ पर सीधा आप लिख सकते हो 2xy − k, ठीक है, इतना गुणा नहीं करना था, आप कर भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 × 6 6/3 आएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, 6/3
तीन, तो 6/3 को आप हल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ही होगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो -k 2x। ठीक है, आगे देखिए, x की घात 3 -8/27, y की घात 3 माइनस का है 2xy, तो -k 2x² y हो जाएगा, और -k 2xy का गुणा करेंगे -k 2/3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर दो गुणा दो दूनी कितना हो गया 4, तो 4/3 नीचे रहेगा 3, और एक्स वाई 2 है तो y² तो ये आपका आ गया आंसर। फिर से देख लीजिए, a - b की घात 3 है, तो a की जगह x और b की जगह 2/3 y करेंगे, इसकी घात 3। इस सरसमीका के मान रखने में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन अगर एक दो बार सवाल को कर लेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। तो ये आपके हो गए सवाल नंबर 6 कंप्लीट। आगे देखेंगे हम 7वां सवाल, जिसमें हमें दे रखे हैं कुल 3 सवाल। तीनों सवालों के हल हम फटाफट से देखते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, हमारा सवाल है, उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला है 99 की घात 3, 99 यानी 100 में से एक कम, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 - 1 की घात 3। तो देखिए, ये वही सरसमीका लगेगी, a - b की घात 3, यानी कि हमारा a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया 100 और b बराबर हो गया 1। ठीक है, 100 - 1 की घात 3, तो यहाँ पर वापस इसको हल करना है, इसी सरसमीका से तुलना करनी है, 100 - 1 की घात 3, 1 की घात 3 - b की घात 3 -3ab गुणा a - b, तो a हमारा हो गया है 100 की घात 3 -1 की घात 3 -3 × 100 × 1 और गुणा है 100 - 1 का। आगे देखिए, 100 की घात 3, तो 3 घात है, यानी कि कितने बार जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, 100 × 100 × 100 -1 -3 × 100 = 300 × 100 - 1, तो इसको देखिए, ये वापस आ जाएगा 2 2 2 2 2 के 3 जोड़े यानी घात 3, तो -1 माइनस, अब देखिए 300 × 100 और 2 जीरो और लग जाएंगे, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 300 × 1, तो 300। अब इसको हल कीजिए, माइनस माइनस को जोड़िए और प्लस प्लस को जोड़िए, तो यहाँ प्लस की संख्या 2 है, तो ये होगा 1 2 3, पीछे 3 स्थान पर ये आ जाएगा 1 2 3, यानी कि आपको 3 जीरो लगाने हैं और फिर 300 लिखना है। ठीक है, तो ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, और 300 जुड़ गया यहाँ पर, और इसमें इसमें एक जोड़ना है, तो ये कितना है देखिए, 30,000, माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का, तो ये होगा 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,001। ठीक है, अब इसको घटाइए, देखिए कितना आएगा, 300 और 3001, 970299, ये आपका आ जाएगा उत्तर। इसको आप हल करके माइनस करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस करना एक बार। तो ये आपका सवाल था 100 - 1 की घात 3, यानी 99 की घात 3। दूसरा देखिए, 102 की घात 3, तो 102 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 2, जैसे मैंने 99 को 100 - 1 लिखा है, तो 102 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 2 की घात 3। अब देखिए, सरसमीका कौन सी लग रही है, प्लस वाली लगेगी, तो यहाँ लिखेंगे सरसमीका a + b की घात 3 = a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab × a + b, यही लग रही है, तो इसके अनुसार इसकी तुलना करनी है, a बराबर हमारा है 100, b बराबर हमारा है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 + 2 की घात 3 = 100 की घात 3 + 2 की घात 3 + 3 × क्या करेंगे, 100 × 2 × 100 + 2, 100 + 2, 100 की घात 3, फिर से वही 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि 100 100 100, 2 की घात 3 कितना होता है 8 + 3 × 100 × 2, तो 3 दूनी 6
छः गुणा सौ कितना होगा? 600। 600 गुणा 100 प्लस 2 करना है, तो ये वापस करिए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 गुणा 100, 600 और 100 का 2 जीरो, 600 गुणा 2, 6 दूनी 12 और 1200। अब इन सबको आपको क्या करना है, प्लस है यानी कि सिर्फ जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 1061208, ये आपका उत्तर, यानी कि 60008 आ गया, 61000, ये आ गया 61208, और फिर ये आपको आगे 10 लगाना था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे हो गए दो, तीसरा देखते हैं, यहीं पर देखते हैं इसी के, तीसरा देखिए सवाल प्लस का है या माइनस का है, तो तीसरे को देखिए, 998 की घात 3, तो ये माइनस का सवाल आएगा, तो ये ऊपर वाले में ही देख लेते हैं, यहाँ पर ये साथ में ही हो जाएगा। देखिए तीसरा सवाल हमारा है 998 की घात 3। अब 998 को आप क्या लिख सकते हो, 998 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 की घात 3, तो आप देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1000 और b बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ मान रखना है, वापस लगाइए, 1000 माइनस 2 की घात 3 बराबर a की घात 3, तो 1000 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा 1000 गुणा 2, फिर क्या कर लेंगे, 1000 माइनस 2, सिर्फ सवाल लगाया हमने, तो 1000 की घात 3, देखिए अब घात 3 है तो इसके 3 जोड़े बनेंगे, 1000 के और 1000 के, जीरो गिन के लिखेगा, 3 3 के 3 टुकड़े, तो कितने जीरो लगेंगे, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस 2 की घात 3 कितना होता है, 8, माइनस 3 गुणा 1000 और गुणा 2, 3 2 6, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 6000, 6000 का गुणा 1000 माइनस 2 में, तो यहाँ कीजिए वापस 9 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 8 9, 8 माइनस 6000 गुणा 1000, 1000 यानी 1 3 0 और माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 2 कितना होता है 12 और 3 0। अब देखिए क्या करेंगे आप, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस को जोड़े और माइनस माइनस को जोड़े, निशान आएगा माइनस का, तो यहाँ पर सीधा मैं आपको बता रही हूँ क्या आएगा, देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है, यानी कि पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो आएगा 12 और पीछे 3 0 लगेंगे, आगे वाले 0 आपको सेम लगाने हैं, तो आगे देखिए कितने 0 लग रहे हैं, 4 0 आगे लगाइए, फिर 1 2 0 0 0, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 8 9, बराबर हो गए, फिर माइनस 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 प्लस, और ये हो जाएगा 0 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और फिर 8, क्योंकि इकाई संख्या 8 एक है तो इसमें ही जुड़ेगी, तो इसका उत्तर देखिए क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे आप तो आएगा, सॉरी घटाना है तो 9940111992, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी यहाँ पर समाप्त हो गया है, यानी कि सातवें का तीसरा हमने कर लिए हैं, सवाल नंबर 6 और 7 का हल। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द हम मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा सवाल में दिक्कत है, आगे आप कौन सी प्रश्नावली पढ़ना चाहते हैं, धन्यवाद।